हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज मैं आप सभी को इस वीडियो में एक छोटा सा प्रॉब्लम न्यूमेरिकल सॉल्व कराने जा रहा हूं। ये एक न्यूमेरिकल मैंने बोर्ड बना रखा है और यहां पे आप देख रहे होंगे कि एक क्यूबॉइड या क्यूब टाइप का स्ट्रक्चर है, कमरे जैसा स्ट्रक्चर है। और इस कमरे जैसे स्ट्रक्चर में जो उसकी वॉल्स हैं, ये जो साइड्स हैं, साइड्स पे एक इक्वल रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसकी वैल्यू आर है और सब जगह रेजिस्टेंस क्या है वो सेम लगा है। न्यूमेरिकल मैंने आपको दिया कि इस आर की वैल्यू कितनी है, 1 किलो ओम। जो ये रेजिस्टेंस लगा इसकी सबकी वैल्यू कितनी है, 1 किलो ओम। और आपको क्या निकालना है, आर ए बी इसकी वैल्यू कितनी होगी। मतलब अगर ए और बी पॉइंट के अक्रॉस, ये डायगोनल है ना, इस डायगोनल के अक्रॉस अगर मल्टीमीटर लगा करके रेजिस्टेंस नापा जाए तो इसका इक्वलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए मैं आपको दो मेथड डिस्कस करूंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको अप्रोच क्या होगी इसको सॉल्व करने का, ठीक। तो अप्रोच पहला मेथड हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहां पे हम क्या मान लेंगे, एक ये एक वोल्टेज सोर्स मान लेंगे, ठीक। देखो इसको मैं रब कर देता हूं, ए और बी के बीच हमने क्या लगा दिया, एक बैटरी लगा दी जिसकी वैल्यू क्या है, वी। ओके, अब अगर हम जब बैटरी लगाएंगे तो क्या होगा, इसमें करंट फ्लो करेगी, ये कैसे करंट जाएगी ना, देखो यहां पे, ठीक। और ये करंट क्या होगी, इस पूरे में डिवाइड होगी और फिर यहां से वही करंट अंदर यहां पे इंटर करेगी। बहुत सिंपल सा है ना बात, अगर आप इलेक्ट्रिकल सर्किट सॉल्व किए होंगे तो ये तो आपको पता होगा। अब इसके अंदर क्या लगा मुझे इससे मतलब नहीं, हमें क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। यहां पे एक वोल्टेज सोर्स अज्यूम किया, यहां से करंट एक निकली आई और आई करंट इसमें अंदर चली गई और फिर आई करंट इसमें आएगी। तो अगर हम कहें कि आपको इसका रेजिस्टेंस निकालना है तो यहां कैसे निकाल सकते हैं, आर इक्वल टू वी अपॉन आई लिख सकते हैं कि नहीं, आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वी अपॉन आई। तो ये जो वी अपॉन आई का अगर हम रेशियो निकाल लें तो क्या आ जाएगा, इस सर्किट का इसके अक्रॉस, ए और बी के अक्रॉस क्या जाएगा, रेजिस्टेंस निकल आएगा ओम्स लॉ से। तो अब हमारा मेन मोटो क्या है, वी और आई की वैल्यू निकालना। अगर हम ये वैल्यू यहां पे निकाल लेते हैं तो आराम से हमारा आंसर भी निकल आएगा, ठीक। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां से देखो करंट कितनी गई, यहां से हम मान लेंगे 3i करंट गई, क्या मान लेंगे, 3i, ठीक। अभी मैं इसको रफ कर देता हूं। अब 3i क्यों माना, अभी इसका भी कारण आपको समझ में आ जाएगा। ये ऐसे देखो यहां पर 3i आएगी, ठीक। अब यहां से क्या हो गए, इसके तीन रास्ते हो गए, देखो एक रास्ता ये हो गया, एक रास्ता ये हो गया और एक रास्ता ये, और तीनों रास्ते का प्रतिरोध क्या है, सेम है, क्योंकि हमने न्यूमेरिकल में आपको दे रखा कि सारे साइड्स में जो रेजिस्टेंस लगा उसकी वैल्यू क्या है, आर। तो यहां पे करंट क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी, तो आई करंट इसमें चली जाएगी, आई करंट इसमें चली जाएगी और आई करंट इसमें चली जाएगी। अब आपको समझ में आ रहा होगा मैंने यहां पर 3i क्यों माना, इसलिए माना कि यहां पे हमें आगे कैलकुलेशन में आसानी हो। आप आई मानोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, तो यहां पे क्या आएगा, आई बाई थ्री, तो वो क्या होगा, थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, वैसे इतनी दिक्कत नहीं होगी। इसलिए हमने पहले क्या मान रखा, पहले वैल्यू 3i मान लिया, जिससे कि अंदर जब जाए तो आई बचे। ओके, तो आई मानो या 3i मानो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला इस टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब देखो यहां से आई करंट आई, अब इसको क्या मिल गया, दो रास्ते मिल गए, एक रास्ता ये और एक रास्ता ये, और दोनों रास्तों का प्रतिरोध क्या है, सेम। तो करंट क्या होगी, बराबर बराबर बढ़ जाएगी, तो कितनी चली जाएगी, I/2 और I/2, ठीक, क्लियर। ऐसे यहां पे ये कितनी करंट आई, आई, तो यहां पे करंट कितनी चली जाएगी, I/2, और यहां पे कितनी चली जाएगी, I/2, बहुत ईजी। ऐसे यहां पे I, तो यहां पे कितनी चली जाएगी, I/2, और यहां पे I/2, समझ में आ गया। अब देखो यहां से I/2 और यहां से I/2, देखो यहां आ रही ना, ये I/2, यहां से I/2, तो दोनों मिलकर के यहां कितनी बन जाएगी, आई भाई, आधी करंट, आधी मिलकर कितनी बन जाएगी, आई। ऐसे आधी करंट यहां से आई और आधी करंट यहां से आई, तो ये क्या बन जाएगी, आई, क्लियर। और यहां से ये देखो I/2 आ रही है और यहां से I/2 आ रही है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई, ठीक। अब ये I मिलकर कितना हो जाएगा, 3i हो जाएगा, समझ में आ गया कैसे कर रहे हैं। देखो 3i माना, i में डिवाइड हुआ, I/2 में फिर से मिलके आई, और यहां से हमने बताया था आपको अगर 3i निकल ली है तो यहां पे कितनी आनी चाहिए,
थ्री आई, समझ में आ गया। यही इसका अप्रोच है सॉल्व करने का, बहुत आसान है, ये तुरंत इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे अगर एग्जाम में आता है। मैं आपको एक कॉमन मेथड बता दे रहा हूं, वही आप अप्लाई करिएगा तो सारे के सारे क्वेश्चन इस टाइप से जो भी आते हैं हो जाएंगे, ठीक। अब मैंने आपको क्या बताया था कि हमें क्या निकालना है, यहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो यहां से रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल, R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, यानी यहां पे क्या रखेंगे, थ्री आई। क्यों थ्री आई रखेंगे, क्योंकि हमने करंट मानी है थ्री आई और यहां पे वोल्टेज क्या वी, तो हम कहें कि इसके क्रॉस रेजिस्टेंस कितना आएगा, तो वी अपॉन थ्री आई। अगर आप यहां आई मानते तो क्या होता, वी अपॉन आई, समझ में आ गया। अब हमें निकालना है भाई इस वी की वैल्यू, वी की क्या वैल्यू, तो वी की वैल्यू निकालने के लिए बहुत आसान है, किसी भी आप एक रास्ते में क्या लगा दीजिए, केवीएल लगा दीजिए। कैसे, हम एक रास्ता आपको यहां पे दिखा रहे, देखो ये यहां से चले, यहां गए, फिर ये हो गया, फिर इधर चले गए, फिर इधर चले गए, फिर इधर आ गए, फिर ऐसे जा करके फिर ऐसे चले आए। केवीएल ऐसे लगाते ना, जहां से स्टार्ट करते हैं वहीं पे आकर के फिनिश करना है। कोई भी रास्ता आप ले सकते हैं, आप इधर चले जाइए, ऐसे चले जाइए, ठीक, बस कहीं ब्रेक मत करिए रास्ता। तो यहां गए माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, तो वैल्यू किसमें आएगी, प्लस का वी, ठीक, माइनस से प्लस तो क्या होता है वी। यहां पे गए तो यहां पे वैल्यू क्या आएगी बताओ जरा, आर इंटू आई, भाई वोल्टेज निकालना तो क्या होगा, वोल्टेज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस, तो माइनस का आर आई, इसमें क्या आएगा माइनस का आई बाई टू इंटू रेजिस्टेंस, इसमें क्या आएगा माइनस का आई मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस इक्वल टू कुछ बचा जीरो। समझ में आ गया कैसे लगाया केवीएल, माइनस से प्लस गए तो प्लस का वी, फिर यहां इस रास्ते में क्या पड़ा आर आई, तो माइनस में आ रहा है क्योंकि करंट की दिशा में जा रहे हैं, माइनस का आई बाई टू करंट यहां पे और आर, तो माइनस का आई बाई टू इंटू आर, यहां पे माइनस का आई आर, फिर इसी रास्ते में आ गए। इस रास्ते में जाएंगे तब भी वही सेम चीज आएगी इक्वेशन, जो भी आप रास्ता जाएंगे उस रास्ते में ये इक्वेशन आप देखेंगे कि सेम आने वाली है, वोल्टेज की वैल्यू हर इक्वेशन से सेम आने वाली है। तो यहां से V की वैल्यू हम निकाल लेंगे, V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर आई, आर आई ये क्या हो जाएगा टू आर आई और प्लस आई आर अपॉन टू, तो यहां पे दो दुना चार एक पांच फाइव आर आई बटे टू, वोल्टेज निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना था, आर इक्वलेंट, आर ए बी क्या निकालना था क्वेश्चन में, आर ए बी, आर ए बी क्या होगा भाई, वी ए बी अपॉन आई होगा, ठीक, और आई कितना है यहां पे थ्री आई है ना, देखो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक, क्योंकि हमने थ्री आई मान लिया था पहले, अगर आप आई मानेंगे तो यहां पे फिर आई बाई थ्री और यहां पे आई बाई सिक्स आ जाएगा, उस हिसाब से आपका क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, ठीक। तो यहां थ्री आई क्यों लिख रहे हैं, समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमें इसके इक्वलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो इसके इक्वलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए ये वोल्टेज और ये करंट को डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये वाला वोल्टेज वी ए बी है, वी है, ठीक, जो हमने यहां निकाला है, या वी ए बी हमने यहां लिख दिया, वी है और थ्री आई, और वी की वैल्यू कितनी है फाइव आर आई डिवाइडेड बाई टू और इसकी वैल्यू कितनी है थ्री आई, ठीक। अब यहां पे हम लोग इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा फाइव बटे सिक्स और आई आई कट जाएगा आर, तो आर ए बी कितना आ गया पांच बटे छ आर, क्योंकि आई आई कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर एग्जाम में जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया उसमें आर की वैल्यू कितनी दी वन किलो, तो इस वाली वैल्यू को यहां पर रख देंगे तो आर ए बी कितना आ जाएगा फाइव गुड़े वन किलो डिवाइडेड बाई सिक्स, तो इसको लिख सकते हैं किलो मतलब पांच हजार, ठीक, बटे छ ओम, तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। आप ये भी लिख सकते हैं फाइव बटे सिक्स आर, अगर आर के टर्म में लिखना है, अगर आर की वैल्यू कुछ भी दिया एक ओम दस ओम बीस ओम पंद्रह ओम किलो ओम, तो उस वैल्यू को रख देंगे तो न्यूमेरिकल या डिजिट में आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है, एक लाइन में केवीएल लगा करके तुरंत आप वैल्यू को निकाल सकते हैं। इसका एक दूसरा मेथड भी है सॉल्व करने का, उसको मैं आपको अगले वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, वो भी बहुत इजी है कि उसको कैसे लगाना है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू सो मच।